आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इनडार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं काम के सिलसिले में बाहर आई हुई थी और एक हफ्ता बीत चुका था मुझे यहाँ पर आए, और जब काम खत्म हो गया था तो मैं घर वापस लौट रही थी। देर रात मैं बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, मैं सिर्फ बस स्टॉप पर अकेली ही थी। जब मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो रात के 11 बजने वाले थे और बस भी आने वाली ही थी। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ वाले बस स्टैंड पर गई, जहां एक औरत मेरी ही तरह अकेली ही बैठी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। खैर, मैंने उस औरत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे अपनी नज़रें हटाकर वापस अपने मोबाइल फ़ोन को देखने लगी। कुछ देर बाद मैंने फिर सामने देखा तो वो औरत अब वहाँ से जा चुकी थी। मैं सामने ही देख रही थी कि मुझे लगा कि किसी ने हेलो कहा। आवाज़ सुनते ही मैंने अपने आसपास देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। उस वक्त थोड़ी घबराहट तो हुई मगर मैं फिर भी वहीं बैठी रही। तभी मैंने देखा कि वही औरत अचानक से मेरे बगल में आकर बैठी हुई है। हालांकि वो अभी भी मुझसे कुछ दूरी पर ही थी मगर उसे देखकर मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो पाया कि फ़ोन पर कोई लड़की है जो मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी। मैंने उसे अपना नाम बताते हुए कहा, आप कौन? कि मेरे बगल में बैठी औरत ने मेरी ओर पलटते हुए कहा, तेरी मौत। वो औरत एकदम से बिल्कुल ही अब बदल गई थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था, उसके दांत कांटे से भी ज्यादा नुकीले हो गए थे। मैं चीखते हुए वहां से भागी। आगे एक ब्रिज ओवर था और उस ब्रिज के उस पार कुछ लोग नजर आ रहे थे। पहले तो मैं जोर जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मगर मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। तो मैं दौड़ते हुए उस ब्रिज के सीढ़ियों पर पहुंची और उन पर चढ़ने लगी। मैं बस चढ़ी ही थी कि वही औरत एकदम से ब्रिज पर आ गई और मेरी गर्दन पकड़ ली। अब मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसने मुझे उस ब्रिज से ही बाहर की तरफ फेंक दिया। मेरे नीचे गिरते ही वहां मौजूद लोगों की नजर मेरे पर पड़ी और वो तुरंत ही वहां आ पहुंचे। मैं उस वक्त बेहोश होने लगी थी। वो लोग तुरंत ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा एक हाथ बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया था। इसी बीच मैंने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उसी डॉक्टर ने बताया कि दरअसल वो औरत जब 15 साल की थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो कभी भी अपना आपा खो बैठती, जिस वजह से उसके घर वाले परेशान होने लगे थे और साथ ही जिसके चलते घर वाले भी उस पर जातियां करने लगे। बेचारी की लाइफ तो खराब हो ही गई थी मगर जब वो ठीक रहती तो अच्छे से सस्ती सवरती और सभी लोगों से अच्छे से बात भी करती। और धीरे धीरे ऐसे ही बहुत साल बीत गए और एक दिन उसकी अचानक ही मौत हो गई। तब से उसका भूत लोगों को तंग करता है तो वही भूत लोगों की मदद भी करता है। ये सुनकर मैं तो दंग रह गई थी और फिर उसके बाद मेरा कभी भी वहां जाना नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।